नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज हमारे इस YouTube चैनल पर, VDZ Academy पर। और JEE का जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी के लिए अपन यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और उसी की मैं सीरीज चलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ट्रांसफार्मर्स। तो ज़्यादा अपन डिले नहीं करेंगे, फटाफट से अपन अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। मुद्दा क्या है कि जो ये RSMSSB, राजस्थान सर्विस सब सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इसका JEE का एग्जाम होने वाला है। 19 फरवरी लास्ट डेट थी उसके एग्जाम के फॉर्म भरने की, तो वो कल निकल चुकी है। तो आज से अपन इसकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और क्रैश कोर्स की तरह फुल स्पीड में अपन इसको चलाने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। आप प्रैक्टिस करें, कोई क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, कैसे अटेम्प्ट करने उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो डालूंगा। तो आप इन सारे वीडियोस को देखें और कोई डाउट हो तो पूछें, बिंदास अपन इस पर अच्छी तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि पहली बात तो यह है कि भाई स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है। देख क्या रहे हैं अपन, ट्रांसफार्मर्स स्टैटिक डिवाइस है, यानी कोई भी इसमें मूवेबल पार्ट नहीं है। और बेसिक प्रिंसिपल भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एक शब्द में बोलूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये काम करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करने के लिए बीच में फ्लक्स चाहिए हमें। मैं वो सारी बातें लिख रहा हूं जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते टाइम आपके दिमाग में आनी चाहिए। फ्लक्स पे आधारित है, यानी फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स आपस में कॉइल्स में लिंक होएगी, फ्लक्स लिंकेज पर आधारित है इसका ऑपरेशन। यानी एक कॉइल है जिसको अपन प्राइमरी बोल देते हैं या लो वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज साइड, बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं होता ट्रांसफार्मर में। जिस साइड पर सोर्स लगता है वो प्राइमरी हो जाती है, जिस साइड पर लोड लगता है वो सेकेंडरी हो जाती है। बात समझ में नहीं आए तो दोबारा सुन लेना। हम बोलते हैं हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड। तो यानी कि जब ऐसा बोला जा रहा है तो इसमें एटलीस्ट दो वाइंडिंग्स तो जरूर होंगी तभी ये ट्रांसफार्मर कहलाएगा। दो से तीन भी हो सकती है, थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी होते हैं जिसमें एक टर्शियरी वाइंडिंग निकल के आ जाती है। मुद्दे की बात यह है कि एटलीस्ट दो वाइंडिंग जरूर होगी, उन दो वाइंडिंग्स में आपस में फ्लक्स लिंकेज होगा और फ्लक्स लिंकेज होगा तो फ्लक्स को चाहिए पाथ। कहने को आप कह सकते हैं कि सर कॉइल कॉइल हमने लगा रखी है, कॉइल बना रखी है, तो उसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो फ्लक्स तो अपने आप सेट हो जाएगी, तो फ्लक्स तो अपना पाथ खुद बना लेगी। पर यहां बीच में अगर मैं कुछ ऐसा मटेरियल डाल दूं इसकी कोर के रूप में, इस कॉइल की कोर के रूप में मैं कोई ऐसा मटेरियल डाल दूं जिसकी परमिएबिलिटी हाई हो या जिसका रिलक्टेंस कम हो, तो ये फ्लक्स जो है ये ज्यादा स्थापित हो सकती है और उसका फायदा हमें फ्लक्स लिंकेज में मिल सकता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंप्रूव हो सकता है। यही काम करने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें पढ़ लेनी चाहिए ट्रांसफार्मर में वो है उसकी कोर। ठीक है, तो आइए इस कोर की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं एक ऐसा कोर बनाऊं, आपको ट्रांसफार्मर कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। अपन ने क्या किया, इसकी एक साइड पर एक वाइंडिंग लपेट दी। इस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है एन और इसमें एक करंट एंटर करा रहे हैं अपन आई। तो ऐसा करने की वजह से इसमें एक फ्लक्स स्थापित होगा। हमने एक करंट एंटर कराया है आई और इसके नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं एन। ठीक है, ऐसा करने की वजह से इसमें एक फ्लक्स स्थापित होगा। उस फ्लक्स को मैं बना देता हूं इस प्रकार, ये फ्लक्स स्थापित हो जाएगा फाई और इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए। ये एक ऐसे मटेरियल का कोर है जिसकी रिलक्टेंस होती है कम और परमिएबिलिटी होती है ज्यादा। तो जनरली जो कोर्स यूज करी जाती है, मैं आयरन की लिख देता हूं यहां पर बेसिकली ये, और भी जो ट्रांसफार्मर में जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं वो सिलिकॉन आयरन का यूज किया जाता है, जिसमें भी लेमिनेशंस के रूप में इसे यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है लेमिनेशंस के रूप में? लेमिनेशंस बेसिकली क्या है, पतली पतली पत्तियां होती है जिनको आपस में एक दूसरे के ऊपर रखकर ऐसी मोटी कोर बना ली जाती है।
अभी यहाँ पर आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 ही बनाई है मैंने लाइन है, पर ये मल्टीपल्स होती है, हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ लेमिनेशंस, कई सैकड़ों लेमिनेशंस को जमा कर एक पूरी कोर बनेगी। और उस कोर के क्रॉस सेक्शन को अगर मैं देखूं, यहां तो मैंने गोला बना दिया, पर वो स्क्वायर शेप भी हो सकता है, वो स्टेप कोर भी हो सकती है इस प्रकार की, और ये स्टेप जो बन रही है ये भी मल्टीपल हो सकती है। ठीक है, तो ये अपना एक अरेंजमेंट है समझने के लिए। इसमें हम देखते हैं बेसिकली फ्लक्स जो है, फाई जिसको अपन बोलते हैं, ये क्या है? ये है बेसिकली MMF डिवाइड बाय रिलक्टेंस। ठीक है, अब MMF बाय रिलक्टेंस को, इसको फ्लक्स को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, MMF को लिख सकते हैं F और रिलक्टेंस को डिनोट करते हैं RL से। साथ ही साथ इसमें जो ये फ्लक्स है, इस फ्लक्स को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, B इंटू A, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इंटू ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B अगर मुझे निकालनी है तो मैं फाइव बाई ए करके निकाल सकता हूं। ठीक है, इस बी का फॉर्मूला होता है μni बाय एल, जहां पर म्यू क्या है, बेसिकली म्यू नॉट, तो अगर ये वैक्यूम होता, और रिलेटिव परमिएबिलिटी जो भी हम पदार्थ यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे, जो भी हमने यहां पर कॉइल लगाई है जिसके टर्न्स है एन, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई, अपन ने वहां स्मॉल ले रखा है पर अपन कैपिटल लेके चल रहे हैं, चलो इसको भी कैपिटल कर देते हैं, और डिवाइड बाय एल, ये अपना हो जाता है क्या, बी। तो अगर मैं इससे फाई निकालना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू ए, यानी इसमें ए मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो म्यू एन आई ए बाई एल, ये अपना क्या हो जाता है, फाई। इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो एन आई बाय एल बाय म्यू ए, ये अपने को मिल जाता है क्या, फाई का फॉर्मूला। अब इस फाई के फॉर्मूले को अगर मैं इससे कंपेयर करूं, किससे, अपना MMF बाय रिलक्टेंस से, तो हमारे पास एफ क्या हो गया, एफ हो गया एन आई, ये हमारा हो जाता है MMF, जिसकी यूनिट दी जाती है एम्पियर टर्न्स में, एम्पियर टर्न्स, एटी एटी भी लिख देते हैं अपन इसे। और रिलक्टेंस इस बात का क्या हो गया, एल बाय म्यू ए। अब आप देखिए, जितना कम ये रिलक्टेंस होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स स्थापित हो पाएगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स स्थापित हो पाएगा उतनी अच्छी फ्लक्स लिंकेज होगी। अब ट्रांसफार्मर का क्या काम है, अगर इसी तरह का ट्रांसफार्मर होता तो मैं यहां पर एक वाइंडिंग और लगा देता, और ये फ्लक्स जब इस वाइंडिंग में से गुजरेगी तो इस फ्लक्स, ये फ्लक्स इस वाइंडिंग के साथ लिंक होएगी और इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी, यानी कि यहां पर जो भी आपने वोल्टेज लगाया इस साइड पर, इनपुट साइड पर, वो वोल्टेज का कुछ फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन होके, जिसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर बोलते हैं, आगे देखेंगे, उसके साथ यहां पर हमें एक सेकेंडरी पे या आउटपुट साइड पर एक वोल्टेज मिल जाएगा। और बेसिकली अपन ने क्या किया, पावर ट्रांसफर कर ली बिना फिजिकल कांटेक्ट के, इन दोनों तारों के बीच में कोई कनेक्शन के बिना अपन ने इलेक्ट्रिक पावर एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर दी। अभी ये जो अपन ने ट्रांसफार्मर बना रखा है, ये समझने के लिए बहुत बेसिक डायग्राम है, एक्चुअल जो डायग्राम है ट्रांसफार्मर का वो ऐसा नहीं होता है, उसको अपन आगे देखेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर रिलक्टेंस घट रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, साथ ही साथ ये रिलक्टेंस कब घटेगा, ये रिलक्टेंस कब घटेगा, जब म्यू अच्छा हो, क्योंकि एक बार आपने कोई ट्रांसफार्मर की कोर बना ली है तो उस ट्रांसफार्मर की कोर की लेंथ, पूरे पूरी लेंथ कितनी होगी और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना रखना है, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर की डिजाइन पर निर्भर करता है कि भाई कितना मोटा, कितना बड़ा, किस रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, उन सारी चीजों से अगर हमने डिसाइड कर लिया, तो सबसे पहली बात है हमें मटेरियल, किस मटेरियल की कोर बनानी है। यहां पर हमने लिखा सिलिकॉन आयरन की कोर बनाएंगे, क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी अच्छी होती है। क्या होता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी और कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स
को स्थापित होने की परमिशन देने की एबिलिटी, परमिशन देने की एबिलिटी, यानी ये पदार्थ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई को स्थापित होने के लिए परमिशन दे रहा है, और उस परमिशन को कितनी ज्यादा, कितना अच्छा है ये, कितनी अच्छे से फ्लक्स स्थापित हो सकती है, इस बात को बताती है हमारी म्यू। तो जितना ज्यादा परमिएबिलिटी होगी, परमिशन देने की एबिलिटी, यानी जितना ज्यादा फ्लक्स को स्थापित होने देगा कोई भी पदार्थ, उतनी ही उस पदार्थ के द्वारा कम रिलक्टेंस या कम बाधा उत्पन्न करी जाएगी फ्लक्स के फ्लो में। यानी म्यू को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितना अच्छा म्यू होगा, जितना ज्यादा म्यू होगा उतनी कम रिलक्टेंस होगी, यानी अगर म्यू ज्यादा है तो फ्लक्स को स्थापित होने में उतनी ही कम बाधा फेस करनी पड़ेगी, कम बाधा उसके रास्ते में आएगी। और बाधा अगर कम है, यानी रिलक्टेंस कम है, रिलक्टेंस कम है तो फ्लक्स अच्छा स्थापित होगा, और जितना अच्छा फ्लक्स स्थापित होगा उतना ही अच्छा लिंकेज होगा, जितना अच्छा लिंकेज होगा उतना ही अच्छा ट्रांसफार्मर का एक्शन होगा। ठीक है, इसको अपन जो हमारा करंट है उसके साथ भी समझ सकते हैं। जैसे हमें पता है करंट क्या होता है, बेसिकली I बराबर EMF बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको एनालोगस समान रूप से समझ सकते हैं कि फ्लक्स भी क्या है, मैग्नेटिक करंट के रूप में आप समझा जा सकता है, जिसमें वो फ्लो किसकी वजह से होता है, MMF की वजह से, और उसके पाथ में बाधा क्या है, रिलक्टेंस। जैसे हमारे यहां पर बाधा क्या है, जैसे करंट की साइड में देखोगे तो यहां पर बाधा क्या है, रेजिस्टेंस बाधा है। करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, ईएमएफ की वजह से। फ्लो क्या हो रहा है, करंट। तो उसी प्रकार फ्लक्स एमएमएफ की वजह से फ्लो हो रही है, और बाधा क्या है फ्लो होने के पाथ में, फ्लक्स के स्थापित होने के बाद में, रिलक्टेंस। ठीक है, अब अगर मान लो इस रिलक्टेंस, जिस इस कोर की जो रिलक्टेंस है या जिस कोर में फ्लक्स स्थापित हो रही है उसमें अपन एक गैप डाल दें, गैप डाल दें मतलब अपन ने यहां पर क्या किया, एक एयर गैप छोड़ दिया है, फ्लक्स तो अभी भी स्थापित होगी, क्योंकि भले ही एयर गैप हो, हवा में से या वैक्यूम में से भी फ्लक्स स्थापित हो ही सकती है, उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वैक्यूम की परमिएबिलिटी कम होती है या हवा की परमिएबिलिटी कम होती है किसी आयरन या फेरस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। तो हालांकि उसको मेहनत, उसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, एमएमएफ ज्यादा की आवश्यकता होगी, पर फिर भी कितना होगा, कैसे होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस एयर गैप का, वो हम देखते हैं। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर अपन ने एक एल गैप, एल जी अपन ने गैप मान लिया, और बाकी जो हमारी लेंथ है आयरन की, कहां से कहां तक जो टोटल कोर की लेंथ बची हुई है, यहां से लेकर यहां तक, इसको अपन ने बोल दिया एल आई, आयरन की लेंथ और एयर गैप की लेंथ। तो फाई तो हमें पता है, फाई क्या है, बेसिकली एम एम एफ बाय रिलक्टेंस, यानी एफ बाय रिलक्टेंस, जहां पर एमएमएफ जो है वो क्या है, एन आई एफ बराबर। ठीक है, तो बेसिकली अपन को ये तो पता है, अपन को क्या निकालना है, रिलक्टेंस निकालना है। तो टोटल रिलक्टेंस आर एल क्या हो जाना चाहिए, आयरन का पाथ का रिलक्टेंस प्लस एयर गैप का रिलक्टेंस। ठीक है, तो एक एक करके दोनों निकाल लेते हैं। रिलक्टेंस ऑफ आयरन पाथ आर एल आई क्या हो जाएगा, एल आई बाय म्यू नोट म्यू आर बाय ए, एंड एल रिलक्टेंस ऑफ गैप, ये जो गैप है एयर गैप, इसका क्या हो जाएगा, एल जी यूज करनी है, म्यू नॉट ए, क्रॉस सेक्शन तो उतना ही माना जाएगा कि भाई जितने क्रॉस सेक्शन में से आयरन था उतने क्रॉस सेक्शन में से फ्लक्स गुजर रही है, हालांकि ये थोड़ी सी ऐसे फैल जाती है, बल्जिंग हो जाती है इसकी कोनों से, पर उसको हम अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि एयर गैप बहुत पतला है। भाई बल्जिंग तो तब होगी ना जब एयर गैप बड़ा होगा, दिखा अपन ने बड़ा रखा है, जब एयर गैप बड़ा होगा तब बल्जिंग होगी। अगर मैं इस एयर गैप को छोटा कर दूं, छोटा कितना, इतना छोटा कर दूं कि बल्जिंग का इफेक्ट ही पता ना चले, तो यहां पर कितनी बल्जिंग हो जाए आपको ऐसा लगेगा कि वो पैरेलल ही जा रही है फ्लक्स लाइंस। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ये म्यू आर है, कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए
मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए म्यू आर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है 1 से, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो म्यू आर होता है वो लगभग 1 के बराबर ही होता है। तो हवा जो है वो नॉन मैग्नेटिक टाइप की है। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो म्यू आर है, इस म्यू आर की वैल्यू इतनी ज्यादा है, इस म्यू आर की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि जो अपना रिलक्टेंस आयरन का है वो बहुत कम हो जाता है रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप से। यानी कि म्यू आर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि क्योंकि म्यू आर जो है अपना वो बहुत ज्यादा है 1 से। तो आर एल जो आयरन पाथ का रिलक्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है एयर गैप से। तो टोटल रिलक्टेंस जो अपना है इसमें अप्रोक्सीमेटली, मैं इस आयरन के रिलक्टेंस को, आयरन पाथ के रिलक्टेंस को इसके सामने नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इतना कम हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारा फाइनल रिलक्टेंस बचेगा वो एयर गैप का ही बचेगा। यानी कि अगर जरा सा भी कट इस कोर में कहीं आ रहा है या इस कोर में एयर गैप जरा सा भी कहीं आता है तो सारा का सारा एमएमएफ उस एयर गैप में फ्लक्स स्थापित करने के लिए लग जाता है। या यूं कहूं कि पहले अगर ट्रांसफार्मर डिजाइन हो गया है और कोर में गैप आ जाता है तो उस गैप के कारण उस कोर में इतनी फ्लक्स स्थापित ही नहीं हो पाती कि वो अपना रेटेड काम कर सके, जिस रेटिंग पे ट्रांसफार्मर को चलना था उस पर चल सके। क्योंकि सारा का सारा जो जोर है एमएमएफ का वो इस एयर गैप को या एयर गैप में फ्लक्स स्थापित करने में चला जाता है। ठीक है, तो रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप जो हमारी हो जाती है वो क्या हो गई, एल जी बाय म्यू नॉट ए। और फ्लक्स जो हो जाती है हमारी इस वजह से वो सिर्फ एयर गैप के कारण ही बच जाती है। यानी कि एक जरा सा एयर गैप आपके पूरे ट्रांसफार्मर के एक्शन को खत्म कर सकता है। तो इसीलिए ये मैंने अभी आपको इसलिए बताया है कि भाई एयर गैप या ट्रांसफार्मर की कोर हवा की क्यों नहीं है। क्योंकि अगर ये कोर हटा के मैं सिर्फ ये मान लूं कि भाई एक वाइंडिंग में ऐसे लगा दूं और दूसरी वाइंडिंग इसके पास में ऐसे लगा दूं तो फ्लक्स तो इसमें भी स्थापित होगी ना, लिंक हो जाएगी, ट्रांसफार्मर एक्शन बन जाएगा। इतना ज्यादा कंटेनर और ऑयल और इतना कोर बनाने का क्या मकसद है, होना ही नहीं चाहिए ये। पर वो इसलिए चाहिए हमें कोर कि जितनी ज्यादा अच्छी कोर होगी, जितना कम उसमें एयर गैप होगा उतना ही कम एमएमएफ आपको चाहिए एक अमाउंट ऑफ फ्लक्स को स्थापित करने के लिए। अगर एयर गैप होगा तो सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स को स्थापित करने के लिए मुझे ज्यादा एमएमएफ चाहिए। ज्यादा एमएमएफ मतलब या तो मेरे को टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे या मुझे करंट बढ़ाना पड़ेगा। करंट बढ़ाने का मतलब है कि मुझे मोटाई, कंडक्टर की मोटाई बढ़ानी पड़ रही है, और टर्न्स बढ़ाने का मतलब है कि मुझे कंडक्टर की लेंथ कॉपर ज्यादा लगेगा दोनों ही केस में। यानी कि ट्रांसफार्मर महंगा हो जाएगा, ट्रांसफार्मर भारी हो जाएगा। तो अगर मैं लोहा लगा के कॉपर बचा सकता हूं तो मैं जरूर लगाऊंगा, और अगर अच्छे से अच्छा एकदम टाइट पैकिंग करने से, एयर गैप बिल्कुल ना छोड़ने से अगर मेरा ट्रांसफार्मर का एक्शन अच्छा होता है तो मैं अच्छे से अच्छी कोर बनाने का ही प्रयास करूंगा हमेशा। ऐसी कोर जिसमें म्यू आर ज्यादा हो, आयरन म्यू आर आयरन ज्यादा हो। ठीक है, तो ये थी हमारे ट्रांसफार्मर के कोर की कहानी। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।